ये सिर्फ हम पर क्या आक्रामक है, हम भाजपा का हम लोगों पर आक्रामक होना ये हमारे लिए जो है ये गर्व का विषय है, अच्छी बात है भाई। हम अगर इतना भी सक्रिय नहीं होते कि आप हम पर आक्रामक हों तो ये तो हमारे लिए बड़ा शर्म की बात होती। हमारा मानना है कि देखिए ये कुल मिलाकर हम पर इसलिए आक्रामक हैं क्योंकि संविधान के पक्ष में और देश के गरीबों के पक्ष में हम खड़े हैं। हम जानते हैं कि हर बस्ती में जहाँ पर भी झुग्गी बस्ती होती है उसको अतिक्रमण कहा जाता है। भाई आप अडानी अंबानी के जो घर हैं, अंबानी का घर है एक एंटीला बम्बई में, ज़रा उसका रेड करा के दिखा दीजिए तो उसने तो ज़मीन तो क्या आसमान पर भी अतिक्रमण कर रखा है, उसको तो हाथ नहीं लगाइएगा, ठीक है, कभी उसके खिलाफ कुछ ना बोलिएगा। तो जो अमीर हैं उनके घरों पर कभी बुलडोज़र नहीं चलते, गरीबों के घरों पर चलते हैं। और आज वो गरीबों को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, पहले मुसलमानों का घर खाली करेंगे फिर गिराएंगे, फिर दलितों का घर गिराएंगे, परसों जो हैं वो अन्य गरीबों का गिराएंगे। तो इस मंशा को समझ करके गरीबों को एकजुट होकर के बुलडोज़र राज के खिलाफ खड़ा होना होगा, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना होगा और ये ज़रूर होगा। और भाकपा माले और जो वाम दल हैं बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, तैनात हैं इस काम को करने के लिए। सर आज तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, नौकर शाह उनको पत्र लिखते हैं उसके बावजूद भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसके पीछे क्या है, वो बोल क्यों ले रहे हैं? दरअसल बोल रहे हैं और सुनने वालों को वो सुनाई दे रहा है, इसको कहते हैं डॉग विसल। जो है कुत्तों के कान बड़े तेज़ होते हैं ना, तो इंग्लिश में कहा जाता है डॉग विसल, तो ऐसा विसल दो जो सिर्फ कुत्ते को सुनाई दे दूसरों को ना दे। इसका मतलब होता है कि हमारी राजनीति से जो इत्तफाक रखने वाले लोग हैं उनको हम इशारा दे रहे हैं, वो इशारा सुनाई दे रहा है। वो इशारा क्या है भाई, मोदी ने और अमित शाह ने दोनों ने मिल करके भारत के मुसलमानों से कहा कि आप बांग्लादेशी हो, ठीक है, दीमक कह दिया अमित शाह ने, वो क्या था, उसी को सुन करके असम में बुलडोज़र चले पहले। हम याद रखते हैं भाई, वामपंथी लोग जल्दी भूलते नहीं हैं, हमने पूरा जो है हिसाब बना रखा है। असम में चले बुलडोज़र मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों को ये कह करके कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम्हारा अतिक्रमण करेंगे। रोहिंगा शब्द को उन्होंने गाली बना दिया, रोहिंगा जो शरणार्थी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, भगाया गया है, उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है बेचारे, उनको जो है कुछ हज़ार लोग, मुश्किल से 10,000 लोग होंगे भारत में, उनको जो है आप शरणार्थी का नाम को गाली बना रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं। जो बांग्ला भाषी मुस्लिम है भारत में उसको आप बांग्लादेशी कह रहे हो और भगाने की बात कर रहे हो। तो ये जो भाषा है ये सीधा मोदी शाह से आता है और इसीलिए उनकी चुप्पी चुप्पी नहीं है, उनका वो ग्रीन सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल फ्लैश कर रहा है उनके लोगों को और वो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इनकी बुलडोज़र को रोकना है और ये समझ करके रोकना है कि उस वो क्या खतरनाक चीज़ है, ये कैसे हम सबको बांट करके वो यहाँ हमारे सबके ऊपर जो है अंबानी अडानी का राज शाम ये करेंगे, थोपेंगे हमारे ऊपर, और हिंदू राज के नाम पर ये मनुस्मृति का राज थोपेंगे हम सारे लोगों पर, तो इसके खिलाफ़ हम सबको बोलना होगा। और ख़ास करके देश के जो गरीब उत्पीड़ित लोग हैं, जो उत्पीड़न क्या है जानते हैं, गरीब के घर पर बुलडोज़र चलता है तो क्या हाल होता है जानते हैं, उन सबको खड़े होना होगा कि आज आप मुसलमानों पर अकेले जो चलाने की बात कर रहे हैं, बुलडोज़र को एक सिंबल बना दे रहे हैं कि मुस्लिम विरोध का मतलब बुलडोज़र, बुलडोज़र मतलब हंसने लगे कि है मुस्लिम का घर गिर रहा है, मुस्लिम का दुकान गिर रहा है। इस शर्मनाक चीज़ के खिलाफ हर नागरिक को अपने अंदर झांक करके बोलना होगा। मैम दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी उनको बांग्लादेशी कह रही है, तो आम आदमी पार्टी वाले भी बीजेपी को बांग्लादेशी कह रहे हैं, हालांकि उनका विधायक भी वहाँ से जीता हुआ है। बिल्कुल ये शर्मनाक बात है, आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में अपनी जो मंशा है वो जो दिखा रही है, जिस मंशा की नुमाइश कर रही है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब है। उन बुलडोज़र चलने में भी PWD जो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये MCD के साथ, NDMC के साथ खड़ा रहा, ये बिल्कुल गलत है। और जो भाषा ये बोल रहे हैं कि दंगों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंगा जिम्मेदार हैं और भाजपा वालों ने ही बसा रखा है बांग्लादेशी रोहिंगा को, क्या भाषा है ये? दंगों के लिए कहाँ बांग्लादेशी जिम्मेदार हैं, दंगों के लिए कहाँ जो है रोहिंगा जिम्मेदार हैं बेचारे? दंगों के लिए जो लोग जुलूस प्रदर्शन में कह रहे हैं कि भाई गाली देते हुए मुस्लिम के लिए गाली का शब्द यूज़ करके कि काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, हमारी अदालत इनके लिए क्यों लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रही? उमर खालिद आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री का भाषण को जुमला बोल रहे हैं तो उनके लिए खींच रहा है लक्ष्मण रेखा, इसके लिए क्यों नहीं? और आम आदमी पार्टी इस पर क्यों नहीं बोल रही? तो ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार का हम माने मैं तो कहती हूँ कि एकदम माने शर्म में डूब मरने का समय है आम आदमी पार्टी के लिए कि ये सोचते हैं जो काम कर रहे हैं ये दरअसल दिमागी भ्रष्टाचार है, ये आइडिया के लेवल पर भ्रष्टाचार है जो कर रही है। हनुमान चालीसा को लेकर आजकल बहुत
बवाल हो रहा है देश में। कोई कह रहा है चौराहे पे पड़ेंगे, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, तो कोई कह रहा है कि मस्जिद के सामने। कैसे नहीं, मेरा मानना है कि देखिए, जो भी कोई धर्म है, जो धर्म को मानता है, वो कुछ अपने भीतर अपने बारे में समझने के लिए उसे मानता है, अपने को बेहतर करने के लिए उसे मानता है। जो भी किसी धर्म को मानता है, किसी भी आइडिया को मानने वाले, मैं किसी धर्म को नहीं मानती, लेकिन मैं जिस भी मैं विचारधारा को मानती हूँ, तो मेरे लिए वो कोई धर्म नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्क्सवाद हो, देश का संविधान हो, उसे समझ करके मैं खुद को बेहतर करूँ ना। तो ये क्या है कि किसी धर्म के नाम पर आपका तरीका होगा कि उस धर्म को मनाने के लिए आप हनुमान या राम जी को याद करने के लिए आप जाएंगे और मस्जिद के सामने गाली गलौज करेंगे, कहेंगे कि राम का नाम लो वरना भारत में मत रहो। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और इसमें साहिद लुधियानवी की जो का जो सुंदर गीत था, जिसमें उन्होंने भारत के पार्टीशन पर लिखा था कि जिस राम के नाम पर मैंने घर टूटे, जिस राम के नाम पर किसी के लाज छीनी जाए, उस राम का मैंने आप क्या समझते हैं कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं? आप सम्मान तो कर नहीं रहे, आप अपमान कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही ख़राब, बहुत ही गलत चीज़ है, जिसका विरोध हर व्यक्ति को और ख़ास करके हर सच्चे दिल से हिंदू को विरोध करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।